राधे राधे भाइयों, सुबह के हो रहे हैं 5:11। आज कहीं एक्सरसाइज वगैरह पे नहीं जा रहा हूँ। आज भाई अपने घर जाने की खुशी है। ये फाइनली ये जो बड़े बड़े शहर देश हैं, बड़े तो क्या ही हैं, पर जो बाहर के देश हैं इनको छोड़ने का वक्त आ गया है। फाइनली आज पहुँच जाऊँगा अपने इंडरी गाँव में। तो भाई सुबह मतलब रात को 12 बजे सोया था, 5 बजे उठ गया हूँ। 21 जुलाई आज फाइनली यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है, सब मोह माया छोड़ के अपने घर वालों के पास, अपने परिवार वालों के पास चलता हूँ। और भाई मज़ा आ गया, कुछ भी कहो, वेरी नाइस। अब यहाँ फटाफट नहाता हूँ, मेरा इंटरनेट वगैरह सब बंद हो गया। सिम मैंने यहाँ पे बाली में, इंडोनेशिया में 7 दिन की ली थी। बाली में 5-6 दिन हो गए, 1 दिन जकार्ता में, 7 दिन पूरे ख़त्म। अब मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है, कैब बुक करने तक का भी इंटरनेट नहीं है, क्योंकि 12 बजे ख़त्म हो गया था। और भाई इतना सड़ा हो, मतलब ये है, मतलब रूम ऐसे अच्छा है लेकिन सर्विस जो है वो इतनी इनकी गंदी है बहुत ज़्यादा। तो भाई मैंने मेक माई ट्रिप से बुक करा था, वैसे तो मुझे लगा कोई ओनर ओनर का ये होगा, लेकिन भाई ये इस कंपनी का था, travelio.com। इन्होंने इतने खून पिए ना मेरे, इतना वर्स्ट इन्होंने एक्सपीरियंस कर दिया ना भाई। पहले इनको भाई उसमें यहाँ के किसी लोकल से उनके नंबर पे जाके कॉल कराई, 2 बजे इन्होंने मुझे वो दिया है, क्या बोलते हैं आपको, कार्ड वार्ड यहाँ पे चेक इन वेक इन। उसके बाद कोई इंटरनेट नहीं है भाई रूम में, ठीक है, इंटरनेट नहीं है। इनसे चैट करने जाओ, लाइव चैट कह रहे हैं, एक मैसेज मैं भेजूंगा, 2 घंटे बाद एक मैसेज का रिप्लाई आएगा, फिर अगले उसका 2 घंटे बाद रिप्लाई आएगा। इतना खून पी लिया। सबसे मेन चीज़ तो भाई क्या था ना कि इन्होंने 3 लाख रुपए मेरे से डिपॉजिट लिए, यानी कि 1500 जन 2000 रुपए डिपॉजिट लिए इन्होंने कि भाई हम आपको दे देंगे। मैं आपको बहुत तगड़ा इंसिडेंस बताता हूँ इनका, जो आप चेकआउट करोगे। अब मैंने इनसे बोला ऐसे ही चैट करके कि भैया मैं तो सुबह 6 बजे चेकआउट करूंगा, मेरे को पैसे दे देना। पता क्या बोलते हैं, सर हमारा 6 बजे स्टाफ नहीं जगता है, क्या हम 10 बजे भिजवा सकते हैं? जगता है मतलब काम पे नहीं आता, हमारा स्टाफ 10 से 6 काम करता है। मैं कह रहा तुम पागल वागल हो क्या भाई, मेरी फ्लाइट है यार 8 बजे की, और तुम कह रहे हो तुम 10 बजे भिजवाओगे, मतलब 1700 जो मेरे रिफंड है। मैं कहा मेरे को 6 बजे चाहिए जैसे भी। पता है भाई कहते कि सर मैं अब चलो हम अपने स्टाफ से कंफर्म करके बताएंगे, आपके पास कोई इंडोनेशियन अकाउंट है हम उसमें भेज दें। मैं कहा इंडोनेशियन कहाँ से होगा भाई, मैं इंडियन हूँ, और मेरा मतलब तुम बस इंडोनेशियन को ही दिया करो ना रूम फूम अपने पास, अगर ऐसी बात है तो। तो भाई ये पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे या खा के बैठ जाएंगे, मुझे इस बात का डाउट हो रहा है ना। मेरे पास इंटरनेट कॉन्टैक्ट कैसे उसे उनसे करूं। अब थोड़ा नहा धो के आज निकलना है, तो नीचे यहाँ पे मैंने लोबी में ले लिया था इंटरनेट वाईफाई, रात को ही सुबह दिक्कत ना हो, क्योंकि कैब वगैरह बुक करनी है एयरपोर्ट से 40-50 मिनट दूर है, तो वहाँ पे भी जाना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। देखो यार पैसे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इनकी गंदा एक्सपीरियंस स्टे का, ये एडवांस बनने के चक्कर में, ऐप वेब बनाने के चक्कर में इतना इन्होंने भिचंड मचा रखा है ना भाई, बहुत ज़्यादा। कोई इंटरनेट नहीं, मोडम वोडम कह रहे, मोडम दे देते हैं हम आपको, वो दे देते हैं, रात को भिजवा देते हैं, सर गलती हो गई, लड़के ने दिया नहीं। मतलब चेक इन तो इनके टाइम पे होगा, 2 बजे जब ये चाहेंगे तभी होगा, चेकआउट भी इनके टाइम पे करे आदमी, इनका स्टाफ 10 बजे जगेगा तो 10 बजे ही निकलो यहाँ से होटल से, तब जाके आपको आपका रिफंड मिलेगा। वाह भाई तुम्हारी अलग ही स्कीम है इंडोनेशियन वालों, तुम्हारे जितना दिमाग दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। एज एक्सपेक्टेड भाई वही हुआ, 6 बज गए हैं, मैंने तो इनकी चाबी रख दी है इनके उस पे क्या बोलते हैं लॉकर से बने होते हैं इनकी, चलो दिखाता हूँ। और इन्होंने मेहमान ने भाई कोई बंदा ही नहीं आया, मेरे पैसे भी रिफंड नहीं कर रहे हैं, इनका तो बुरा हाल है। ये देखो यहाँ पे मैंने इनकी जो की है वो रख दी है, 10-12 ये रही इनकी की, ठीक है भाई। वीडियो में सबूत में ये रहा travelio का, ये मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ कि भाई अपनी टैक्सी एयरपोर्ट जाने के लिए, सामान को ले जाते हैं, और ठीक थी प्रॉपर्टी पर एक्सपीरियंस ख़राब कर दिया उन लोगों ने, वरना बिल्डिंग वाइज रूम वाइज कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो लोग थोड़े से ख़राब थे, इनोवा के पीछे बम्पर लगा रखा है अभी। चलो अपने देश उड़ जाने की बहुत ज़्यादा खुशी है भाई, ओके लेट्स गो। यहाँ से 30-40 मिनट का रास्ता है, सुबह सुबह कोई जाम भी नहीं पाएगा, 10 बजे की फ़्लाइट है, 4 घंटे पहले चले जाओ सही है, 7 बजे वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। पता ही अंधेरा गुप कर रखा है जेड ब्लैक करके तो भाई ने, भाई अब इतनी सस्ती हुई है ना यहाँ से जाने की एयरपोर्ट, जब वहाँ से आया था जब तो 1200-1300 लिए थे, अब 500 रुपये में हो गई मात्र, बताओ यार सस्ती है। कैब वैब यहाँ या तो सुबह के टाइम बुकिंग नहीं रहती होगी इसलिए। ग्रैब और गोजेक 2 ऐप चलते हैं, मतलब GOJEK ऐसे करके, उनमें से गोजेक सस्ता है, ग्रैब महंगा है।
भाई अब एयरपोर्ट पे आ गए हैं, इतनी मोटी भसड़ हो गई है बहुत ज़्यादा, इतना सब सामान है मेरे पास, तीन तीन बैग, इसको तो चलो हैंड में ले जाऊं। लेकिन हमने क्या करा था भाई, आने से पहले ना टिकट एक बंदे के नाम पे 20 किलो लगे चढ़वा लिया था, क्योंकि इतना ही है हमारे पास, 10-10 किलो के दो बैग थे। तो अब ध्रुव भाई के नाम थे भाई 20 किलो, अब उसको किसी काम से जाना पड़ गया भाई अर्जेंट, तो अब 20 किलो उनके ही नाम है, ये मना कर रहे हैं, जबकि बंदा भी नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, जब भी मना कर रहे हैं कि नहीं होगा, उनका पासपोर्ट चाहिए, मैं इसे नहीं कर सकते। मेरा दिमाग घूम रहा है भाई, और कम से कम भी 15 किलो तो वजन इसमें होगा, और 5 और ज़्यादा होगा भाई पर किलो के हिसाब से, तो मेरा 25-30 जन 50,000 रुपये का भट्टा बैठा देंगे, क्योंकि तो टिकट नहीं है यार, मेरा हो रहा दिमाग ख़राब। ऐसे ऐसे उठवाया है वहाँ पे भैया एजेंट से, जो टिकट कराई थी उससे बोला भी था कि वो सब कराने के लिए, अब क्या करें भाई, समझ नहीं आ रहा यार, क्या पे करूँ क्या करूँ, हैंड बैगेज में ले जाऊँ, लेकिन इतने में कोई ढोक दे टोक दे, खामखा बेइज्जती करते, वो वाले काम मेरे पे नहीं होते यार खामखा की। अब पूछता हूँ भैया क्या स्कीम है, क्या कहते हैं ये भैया। ये बोल रहे हैं 2 मिलियन पे करने के लिए 20 लाख IDR, यानी कि हो गए अपने इंडिया के 11-1 हज़ार रुपये इन लगेज को लेंगे भाई, इतनी की टिकट नहीं है भाई, हद हो गई यार, करता हूँ और कोई लास्ट ऑप्शन तो है नहीं भाई। ये हो रहा है भाई पूरा 16.5 किलो मेरा इनके देने पड़े रहे, बहुत मोटे पैसे। ये कटे हैं भाई यहाँ पे 20,65,000 रुपये, यानी कि इंडिया के बन गए अपने 10,700-11,000 के लगभग गया, उसमें चार्ज वार्ज ठोक ठाक के एंड वो बाहर का, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो भाई, बहुत महंगा पड़ जाता है खामा खा। चलो भाई भसड़ से फ्री हुआ, 11,000 रुपये दे के इनको शगुन के दे दिए कि जाओ तुम इंडोनेशिया, बोलो क्या याद रखोगे, ये एशिया का है वैसे तो, कर देना चाहिए था एक में तो है ही, बंदा फ्री हो गया भाई, इनकी सीट खाली जा रही है, उसका वेट नहीं जा रहा, इनमें कोई हाया वाया होती ही नहीं है भाई, मतलब कोई दिल विल होता ही नहीं इन लोगों के बीच, ये सब चीज़ें पहले ही अपना करके चलो बेस्ट है, पर वही अनसर्कमस्टांसेस अनफोर्सीन नहीं पता होते ना भाई कि। इमिग्रेशन करवाता हूँ और 2 बोर्डिंग पास मिलते हैं, मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है कोलालंपुर में, थोड़ी देर ले ओवर है, थोड़ी देर 7 घंटे, तो वहाँ पे मेरे को मतलब दोबारा सामान वामान नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्टली आई कैन गो, वहीं सीधा दिल्ली सामान मिलेगा अब मेरे को, कनेक्टिंग होते तब भी भाई। इमिग्रेशन पे यहाँ पे 2 जने बैठे थे, कोई रहता ही नहीं है जकार्ता, क्योंकि इंटरनेशनल ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते, तो भाई अभी तक यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा मेरे से कि व्हाट डिड यू डू हियर, मतलब क्या करा, तो मैंने बताया एक्सपो में आया था, ऐसे ऐसे शूट वूट करा, तो कह रहा कैन यू शो मी एनी, तो दिखाई गई कल की पूरी शूटिंग भरी पड़ी है उसके अंदर, फिर कहता है हाउ मैनी फॉलोअर्स यू है, मैंने कहा 1.8 मिलियन, भाई उसकी मतलब मैं रिएक्शन क्या बताऊँ, वही बोले हैं कैन यू शो मी, फिर मैंने उसको खोल खाल के दिया और झट देखने लग गया, फिर ये कर करा के दे दिया कि ओके यू कैन गो। अच्छा लगता है यार इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ ले भैया क्यों आए क्या करने आए, और आप अच्छे काम भी लाते हो तो आप में कॉन्फिडेंस भी रहता है, ले लूँ क्या लिटिल लिटिल कुछ खा पी लूँ, छोड़ो चलो अपना गेट पे चलता हूँ, वहीं अपना लोड मारेंगे। अब भाई यहाँ का सुबह का चलाऊँ 6 बजे का, अपने घर पहुँचूँगा कोई 11-12 बजे रात के, पूरा दिन बर्बाद। चलो यहाँ के टॉयलेट इस चीज़ में अच्छे हैं कि यहाँ पे आपको जेट स्प्रे वगैरह मिल जाता है भाई धोने के लिए, मलेशिया में भी था शायद से, वो तो भाई से बुरा हाल थाईलैंड में ज़्यादा उस चीज़ का। यार एक बात सोचो, एयरपोर्ट सबके लिए होता है, और बहुत सी कंट्री ऐसी भी है जहाँ पे वो यूज़ होता है, पेपर वेपर नहीं यूज़ होता। थाईलैंड में मैं बताता हूँ आपको, होटलों में बीच पे सब जगह स्प्रे मिल जाएगा, बस एयरपोर्टों पे नहीं मिलता, पता नहीं इतनी क्या ऑब्सेशन है अपने उन पेपरों के साथ, इनके साथ भाई हर तरीके के लोग आते हैं, मोस्टली तो इंडियन टूरिस्ट आते हैं, सोचो उनका भी ख्याल रखा करो। ये थाईलैंड वालों के लिए लिटिल लिटिल मैसेज था। अब अपने गेट पे चलता हूँ, और ये मेरी लाइफ की पहली है ऐसी फ्लाइट जिसमें मेरा ले ओवर है या कनेक्टिंग है, तो वो एक्सपीरियंस करके देखते हैं कैसी रहती है। और इधर उधर पूछा मैंने भैया, दोबारा सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, दोबारा चेक इन करना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सीधा मुझे दिल्ली ही मिलेगा, कोलालंपुर में पता नहीं कहाँ रखेंगे 7 घंटे मेरे सामान को, क्या स्कीम रहती है इंटरनली तो यही जाने कि क्या करते हैं, पर ठीक है मैं टेंशन फ्री आराम से, जैसे भाई लेट रखा है ऐसे लौट जाऊँगा कोलालंपुर में जाके। और देखो भाई मैं हेल्थ का कितना बड़ा वो हूँ कि मैं इस पर नहीं चल रहा, मैं यहाँ पर चल रहा हूँ फिटनेस के लिए, एक्चुअली मुझे दिखा नहीं वरना तो इसी पर चल देता भाई। F1 कहाँ है? अच्छा पता है भाई क्या स्कीम रहती है, जैसे अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है ना तो आपको 2 ही बोर्डिंग पास मिलते हैं यहाँ से, जैसे अभी इसमें PNR ना दिख जाए वरना तो सब कुछ लीक हो जाता है, जैसे जकार्ता से कोलालंपुर एक ये है, फिर हमारी फ़्लाइट कोलालंपुर से न्यू दिल्ली है, तो उसकी अलग मतलब एक जगह पे बोर्डिंग पास मिल जाता है हमको, वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा जो हमने वेट वेट लिया है उसका स्टिकर भी पासपोर्ट पे तो ऐसे चिपका देते हैं, जैसे भाई हमारे इसकी सत्ते में जैसे कोई इज्जत ही ना हो यार, इसको यहाँ मत चिपकाओ पीछे चिपका दो, या फिर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना दिखने रेदर देन दिस, एक तो इतने पैसे लिए इन लोगों ने। खैर भाई अब वेट करके
फ्लाइट में बोर्ड होके फ्लाई। बाकी एयर एशिया के इनका या तो उसमें जाएंगे हम लोग या फिर इसमें जाएंगे, छोटे छोटे से हैं बिल्कुल ही, लिटिल लिटिल से। मेरे ख्याल से A320neo है ये, और जो हम कुआलालंपुर से दिल्ली जाएंगे वो वाला बड़ा है, क्योंकि उसमें 51 सीट है, इनमें तो बस मेरे ख्याल से 32-33 तक ही होती है। इंडिगो में मोस्टली यही सारे प्लेन्स हैं। रिटर्न बैक टू इंडिया, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि वहाँ पे एक और सरप्राइज मेरा वेट कर रहा है जो भाई दिल से कनेक्टेड है उनको पता ही होगा क्या, और मैंने कुछ भी रिवील नहीं करा क्योंकि मैं वहीं पे जाके वो चीज़ देखना चाहता था। राजा तो अकेला ही चलता है ना, पीछे कोई ना, अच्छा आगे तो बहुत सारे, सॉरी मुझे लगा गई क्या फ्लाइट में वॉशरूम चला गया सुसुगर ने, इतने में तो काम हो लिया भाई, बहुत जल्दी निपटा इन्होंने तो, लंबी लाइन लग रही थी, मैंने सोचा बहुत टाइम लगेगा, बट नो दे आर वेरी क्विक। इंडोनेशियन पीपल एंड इंडोनेशियन एयरलाइन का स्टाफ इज़ वेरी गुड, और भाई कॉफ़ी पी के एनर्जी सी आ जाती है, पर नींद आ रही थी, लेटे पी के मज़ा आ गया, स्ट्रेंथ लेवल हाई होता है ना उसके अंदर। वैसे फ्लाइट में भाई इसमें ना मेरी दो दो टिकट रहेंगी, इसमें भी और जो आगे आएगी उसमें भी, ये भी ये भी, क्योंकि इधर भाई की भी हो रखी थी, अब वो तो पहले ही चले गए, और दो दो टिकट कैंसिल तो होती नहीं, इनमें रिफंड विफंड मिलता नहीं है, और बहुत अरमाइन वहाँ दिल्ली जो जाऊँगा उसमें भी दोनों ही रहेंगी। अभी मैडम आई बोर्डिंग पास देखने की, वो कहाँ दूर, मैं कहा ही इज़ नॉट हेयर, फिर पता नहीं क्या है, बोर्डिंग पास चेक करते हैं, फोटो वोटो खींचते हैं, कुछ हुआ इनका इंटरनल मैटर कि नहीं आया बंदा, सोते होंगे कुछ भी है, बट चलो विंडो सीट मिल गई है। वैसे ये वाली है इधर बाई की थी, बट ये मैंने अड़वा लिया, एक ही बात है भाई, पैसा डबल डबल ठोक रहा है, बहुत ही खर्चा हो गया इस ट्रिप पे तो, खामा खामा बहुत। भाई अब पहुंच चुके हैं फिर से हम लोग मलेशिया, और यहाँ पे ले ओवर मैंने अभी देखा 5 घंटे 45 मिनट का है बस, मात्र इतना तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रही नई दिल्ली की, ये 7 बजे वाली, अबे डिलेड भाई तुमने हद कर दी यार, ये वाली थी न्यू दिल्ली 8:40 पे उड़ेगी, वाह भाई हम पहले दुखी हैं यार, इतने लेट हो रहे हैं, वाह घर पहुंचूंगा 1-2 बजे अब तो। ये मलेशिया का एयरपोर्ट इंटरनेशनल है, इंडियन है, सारे इंडियन इंडियन दिख रहे हैं यहाँ मुझे, और एक तो भाई खाना नहीं मिल रहा अपना इंडियन, और दूसरा भाई ये यू नो दिमाग ख़राब कर रहे हैं ये रूम वाले, खा गए कह रहे हैं कि मैंने आपसे बोला था चेकआउट का समय 12 बजे है, अगर आप तुम डिसाइड करोगे ये चेकआउट किस टाइम करेगा आदमी, तभी पैसे दोगे, अच्छे मेंटल आदमी भाई निकाले सी, मेरा हो गया दिमाग चटक एकदम, ये ले लो भाई पर्स, थैंक गॉड भाई मिलेगा टेस्ट ऑफ इंडिया। एक बार आप इनका भाई मेन्यू देखो इंडिया वालों का भी, पराठा विद करी, पराठा विद मटन करी, पराठा विद दाल, क्या है ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पे भी देखोगे वेजिटेबल बिरयानी मुझे समझ आई, वो मैंने कर दी, लेकिन क्या आया है, अब मैं पूछती है बैगेज चाहिए वो चाहिए, पता नहीं मैंने बैगेज बोल दिया जो पहले मतलब वो सॉरी हाँ बैगेज ही भाई, पता नहीं क्या कूड़ा कबाड़, ये तो मैंने अलग से लिया 5 रिंगट का, ये ठीक है क्या है ये मैं अपने वहाँ फ्री में भी नहीं खाऊँ, ये सरकारी स्कूल में नहीं मिलता मिड डे मील का सा खाना, हद है यार, इससे बढ़िया तो फ्राइज ही खा लेते हैं इन पे, इंडियन भी बढ़िया नहीं मिलता बाहर। अच्छा मलेशिया एयरपोर्ट भाई, ये मैंने ना जो कनेक्टिंग वाला था पूरा छान मारा था, इतना डिले था ये तो, यहाँ पे साइड में वॉशरूम के आसपास ये केबिन से बना रखे उन्होंने 3-4, उनमें इंडियन ही पड़े थे ऐसे लंबे चौड़े, मतलब ऐसे कोई लौटने की जगह नहीं थी, पर ऐसे अलग से थे, पर मुझे थोड़ा प्राइवेट सा पसंद है सिस्टम, तो मैं इसी में ले भाई वहाँ पे मैंने पूरा टाइम गुजार दिया, वेज ही कर दिएगा भैया बर्गर किंग पे, हाँ ठीक है मशरूम वेज ही एक बर्गर मिल गया है वेजिटेरियन में, दिस इज़ वेरी नाइस। वहाँ पे मैंने पूरा टाइम देखो पता ही नहीं चला, लौट के सो गया था, थोड़ा काम वाम निपटाया, 6:42 हो गए इतने में, अब 8:40 पे है, मतलब बस तो मेरे पास अब 2 आवर्स और बचे, तब तक खा पी लेता हूँ क्योंकि 5 घंटे की फ़्लाइट है भाई पूरी, तो भूख लग जाएगी बहुत ज़्यादा तेज़ है इसलिए, और भूख भाई थोड़ी असहनीय से होती है। अरे स्ट्रो नहीं है क्या, पीऊँगा कैसे, 0 sugar वाली कोक ले ली इतनी बड़ी 14 रिंगट में। इधर ना ये बर्गर किंग वगैरह बहुत सस्ते हैं, 250 रुपये में बर्गर भी फ्राइज भी और ये भी बड़ी कोक, ये जो है ना टेस्ट ऑफ इंडिया वगैरह ये 450 का था जो मैंने आपको दिखाई थी वो थाली सी, तो बेकार है। अच्छा मैंने अभी मैं गया था आगे गेट तक देखने, भाई यहाँ तो सिक्योरिटी दोबारा करनी पड़ती है यार, मुझे ड्रोन का डर है कहीं ड्रोन को कोई कुछ तो नहीं कहेंगे कभी, कहने लग जाए, पर चलो छोड़ो, लेट मी एंजॉय माय बर्गर।
बटाई मस्ट से भाई, इनका ये मशरूम वेजी बर्गर है बहुत घटिया। मलेशिया की सिक्योरिटी सबसे ईजी है, कुछ बाहर मत निकालो कुछ मत निकालो, बैग रख दिया सीधा क्लियर। अरे इंटरनेशनल डिपार्चर वाला बहुत छोटा एयरपोर्ट है, देखना ऐसे को गेट बना रखे हैं, कोई गेट है यार, बिल्कुल छुट्टा के लिए छुट्टे, जैसे बाथरूम करने जा रहे हो उस टाइप से, छोटा है, भीड़ भड़का सा कुछ ज़्यादा ही है इसमें भाई। काफ़ी लेट कर दिया इन लोगों ने, 7 बजे उड़नी थी ये प्लेन अपना, अब जाके बोर्डिंग हो रही है। चलो कोई नहीं, पहुंच तो जाए बस, ये अब तो बस पहुंचा दो घर, 5-5.5 घंटे लगने फ्लाइट में यार। बहुत बड़ा प्लेन है, कितने लोगों को लेके जा रहा है, बहुत ज़्यादा भाई। अब आ चुका हूँ अपनी दिल्ली में भाई, एकदम भाई फील आ रही है बढ़िया, अगेन आफ्टर सो मेनी डेज। सभी भाइयों, सब भाई मैसेज करते थे इंस्टा पे, भाई आ जाओ बस, बहुत हो गया, एंट्री की याद आ रही है भाई, मुझे भी आ गई, मैं भी आ गया हूँ। अच्छा अभी फ्लाइट का एक्सपीरियंस बताऊँ भाई, इतनी बोरिंग फ्लाइट इतनी लंबी मैंने आज तक नहीं देखी, कोई 6 घंटे की फ़्लाइट थी, फिर डिले इतनी हुई, ऐसे ही बैठे रहे उसमें कई बार, तो भाई ये लगा लो बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो गया बैठे बैठे बैठे, क्या करें उसमें क्या ना करें, इतनी लंबी फ्लाइट में आज के बाद नहीं जाऊंगा कभी भी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया मैं। और भाई जैसे मैंने 11,000 रुपये दिए थे ना, तो मुझे क्या सबसे आगे वाली वो मिली सीट जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, अब भाई उस पर कपल बैठा हुआ ऑलरेडी, कह रहा आप हमारी सीट ले सकते हो 62C ऐसी है, मुझे लगा ऐसी होगी स्पेस वाली, मैं गया तो बिच्ची सी सीट थी जो नॉर्मल होती है, वो आपने देखा होगा 2:4:2 ऐसे सीट थी, 2 सीट 4 सीट 2 सीट। तो भाई फिर मैंने कहा कि चल छोड़, अब बेचारे बैठे हैं तो छोड़, वरना उनको फ्री फंड में उनको इतनी कंफर्टेबल सीट, जिस जो आगे एकदम पूरी बड़ा एयरक्राफ्ट था बहुत बड़ा, उसके आगे पूरा स्पेस स्पेस खाली पे आम चौड़क कैसे बैठ जा, मैं कहा छोड़ चलो तुम ऐश करो यार, तुम्हारा कपल है मुझे गुन करके मिलेगा। अच्छा ये मैंने ना वैसे एक बात और बताऊँ, दूसरी कैब बुक करी थी, पहली मैंने इन ड्राइव बुक करी है ना, क्या हुआ वो आया एयरपोर्ट पर, पहले उसने बोला डिपार्चर पर आ जाओ आप, मैं चलो चल आ गया, तो थोड़ी सस्ती हो रही थी, 1,000 रुपये में गांव पहुंचा रही थी भैया। उस बंदे ने एक बंदा पहले बिठा रखा था, मैं बैठा जब दोनों सिगरेट पीने लग गए उसमें, मैं बैठते ही और थोड़ा मुझे अजीब सा लगा, ठीक है अजीब से हरियाणवी सी में बात करें, फिर भाई थोड़ी आगे चल के जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकले हम लोग, भैया उसने इन ड्राइव पर कैंसिल कर दी राइड, मैं कह रहा भाई राइड क्यों कैंसिल कर दी, कह रहा वो गलती से दब गया, मैं कह रहा भाई उतार दे मेरे को, यही उतार दे साइड में, कह रहा अरे तुम तू करके बात करे, अरे तू भाई दोबारा कर दे मैं दोबारा पिक कर लूँगा, मैं कह मैं कि उतार दे भाई मैं बिना ऐप वेप के वो ना करूँ भाई, आप लोग भी ना मतलब जो रात के टाइम वैसे जैसे 2:23 हो रहे हैं तो ना मतलब ऐप से ज़्यादा बुक करोगे ना ऊबर से या ओला से 200-300 एक्स्ट्रा लगे वो ज़्यादा सही है, क्योंकि भाई सेफ्टी है। अब दूसरे पता नहीं सिगरेट जो पी रहे हैं पता नहीं क्या इंटेंशन हो क्या हो कहाँ ले कर चले जाएँ, इसलिए बेटर भाई क्या उससे ही निकल जाओ। चलो पहुंच रहा हूँ भाई, 1.5 घंटे में अपना घर फाइनली पहुंच जाएंगे, और फैमिली में एक नया बंदा ऐड हुआ है उससे भी मिलाते हैं भाई आप सब। भाई फाइनली एंट्री में पहुंच चुके हैं, बस यहीं रोक दो, यहीं आप यहीं से चले जाना। और डैमी तो भाई पहुंच चुका हूँ फाइनली, कहाँ से कहाँ आया हूँ मैं, सोचो यार बस तो मान जाओ मेरा गोबाजी कर रहे हो यार, इतने दिन बाद भाई घर का खा के मज़ा आ गया है, पहुंच गया हूँ पासपोर्ट लेके अपने घर पे वापसी, और भाई फ्री का खाना, अब माँ के हाथ का खाने की होड़ नहीं है दुनिया में, कुछ खा लेना। चलो अब तो भाई कल मिलूँगा, नींद आ रही है, 3:30 बज गए हैं, बिना भूख मतलब बिना को खाए नींद नहीं आएगी पता है, इसलिए कुछ खा के सो रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।